हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमाज कुकिंग जोन। आज की रेसिपी का नाम सुनते ही सबके मुँह में पानी आ जाएगा। ख़ास तौर से इस भयंकर गर्मी में बच्चे तो इसे बहुत ही पसंद करेंगे। और ख़ास बात तो ये है कि इसे बनाने के लिए आपको कोई गैस जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही मैं ये भी बताऊँगी, आपके पास अगर मोल्ड नहीं है, सांचा नहीं है, तो इसे कैसे बनाएं। और ये बहुत ही ईजी और क्विक रेसिपी है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ओरियो चोकोबार, जो कि बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा और साथ ही साथ बड़ों को भी बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए अब मैं इसे बनाना शुरू करती हूँ। तो इसको बनाने के लिए मैंने ये 3 पैकेट लिया है ओरियो का है। आप कोई भी चॉकलेटी बिस्किट ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसको कट कर लेंगे। ये 10 रुपये की पैकेट जो आती है वही मैंने लिया हुआ है। इसको क्रश करके इसमें डाल देंगे ऐसे मिक्सी जार में। सभी बिस्किट को मैंने क्रश करके इसमें डाल दिया मिक्सी जार में। अब मैं इसको पीस लेती हूँ। तो पहला तरीका मैं बताऊँगी कि मोल्ड में कैसे जमाएंगे, वो मैं बताऊँगी। तो मैंने इसे पीस लिया है। मैंने ये दूध लिया हुआ है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध है, ये गर्म नहीं है। अब मैं इसको इसमें डाल के मिक्स करूँगी। तो ये देखिए इस कंसिस्टेंसी का ये तैयार हुआ है। बस इतना ही चाहिए हमें। अब मैं मोल्ड लेती हूँ। तो 1/2 कप दूध मेरा इसमें यूज़ हुआ है। इसको जमाने के लिए मैंने इस टाइप का देखिए मोल्ड लिया हुआ है। आप किसी टाइप का मोल्ड ले सकते हैं, चाहे तो फिर कुल्फी मोल्ड हो, चाहे आइसक्रीम मोल्ड हो, उसको ले सकते हैं। उसमें इसको डालना है। अभी जितनी भी मोल्ड में आएगा उतना मैं इसको पूरा फिल कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसको एक को फिल कर लिया। इसी तरीके से मैं और मोल्ड को भी तैयार कर लेती हूँ। ये मेरा मोल्ड तैयार हो गया। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रीजर में। ये जाएगा अब 2 से 3 घंटा के लिए जमने के लिए फ्रीजर के अंदर में। तो मैं देखिए इसे फ्रीजर में रख देती हूँ जमने के लिए। बिस्किट बहुत मीठा होता है तो इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर लगता है आपको कि आपको और मीठा चाहिए तो आप इसमें और डाल सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा तरीका कि अगर पास में मोल्ड ना हो तो कैसे आइसक्रीम जमाएँ। इसके लिए मैंने ये सेम वही बिस्किट लिया है, 2 पैकेट लिया है मैंने। तो सबसे पहले इसको हम क्रश करेंगे। उसको बेलन से धीरे धीरे क्रश कर लें। बढ़िया से इसकी कुटाई कर लेनी है। दोनों पैकेट को मैंने बढ़िया क्रश कर लिया है। अब इसके पैकेट को कट करेंगे ऊपर से। इसको हटा देती हूँ। अब एक ऐसे ग्लास लेंगे, इसके अंदर में इसको डाल देंगे। अब जो दूध बचा हुआ था ना कप में, 1/2 कप, उसको मैं इसमें डालती हूँ। इसको डाल के इसको मिक्स कर देंगे। दूध बस उतना ही डालना है जितना कि ये पूरा डिप हो जाए इसमें अच्छे से। और थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं स्टिक से या चम्मच से। जैसे ही मिक्स करिए इसको तो नीचे तक अच्छे से दूध चले जाना चाहिए। थोड़ी देर इसको वेट कर लेते हैं क्योंकि ये बिस्किट थोड़ा सा सोक करेगा, तो कम होगा तो थोड़ा सा और डाल देंगे दूध को। अब देखिए परफेक्ट हो गया है, बिस्किट ने दूध को भी सोक कर लिया है। अब मैं इसमें स्टिक डाल देती हूँ, आइसक्रीम स्टिक या कुल्फी स्टिक जो भी है। अब मैं इसको रख देती हूँ फ्रीजर में। ये भी 2 घंटे के लिए जाएगा, 2 या 3 घंटे के लिए फ्रीजर में, जब तक अच्छे से जम ना जाए। आइसक्रीम तो जम करके तैयार हो गई होगी। उसके लिए मैं कुछ और प्रोसेस करना चाहती हूँ। जब तक मैं उसको बाहर निकालूँ उसके पहले मैं उसको और थोड़ा फ्लेवरफुल बनाना चाहती हूँ। तो उसको मैं बनाऊँगी डबल लेयर में। इसके लिए मैंने ये डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है और मिल्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है। दोनों को मैंने बराबर बराबर ले लिया है, पूरा मिला करके 1 कप के आसपास है ये। अब मैं इसमें 1 चम्मच नारियल तेल डालूँगी। तेल डालने से ये होगा कि मेल्ट होने के बाद ये जल्दी सीज नहीं होगा, इसलिए मैं इसको तेल को डाल रही हूँ। इसमें शाइनिंग भी अच्छी आएगी।
आप चाहे तो इसमें माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। मैं इसको डबल बॉयलर में मेल्ट करूँगी। तो चलती हूँ इसको गैस की तरफ मेल्ट करने के लिए। मैंने सॉस पैन में पानी भी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। तो ये देखिए पानी बढ़िया गर्म हो गया है। अब मैं उसी के ऊपर इसको रख देती हूँ मेल्ट होने के लिए। उसी के भाप से धीरे धीरे मेल्ट होगा और इसको कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे जिससे कि बराबर से सब तरफ से जल्दी से मेल्ट हो जाए। अब इसके मेल्ट होने के बाद फटाफट से मैं आइसक्रीम निकाल के ले आऊँगी, तब मैं आगे का प्रोसेस शुरू करूँगी। ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। ये देखिए सब एकदम बराबर से मेल्ट हो गया है। अब मैं इसे एक गिलास में ट्रांसफ़र कर दूँगी। अब मैं इसे गिलास में डाल देती हूँ। आप कांच के गिलास में या फिर स्टील के गिलास में किसी में भी डाल सकते हैं इसे। इसे पूरा ऊपर तक फिल नहीं करना है क्योंकि हम इसमें आइसक्रीम डिप करेंगे तो ये बाहर की ओर फेंकते हैं। और मैंने कुछ इसमें नटी फ्लेवर बनाने के लिए मैंने ये बादाम और अखरोट लिया हुआ है, इसको भी मैं इसमें डालूँगी। इसको मैं रख देती हूँ साइड में। अब मैंने जो आइसक्रीम जमा के रखा था उसको मैंने निकाला है। ये देखिए बढ़िया अच्छा जम गया है आइसक्रीम। अब मैं इसको बाहर निकाल के दिखाती हूँ, साइड में कर देती हूँ। तो ये देखिए वाह कितना बढ़िया आइसक्रीम बन करके तैयार हुआ है, ये देखिए बिना मोल्ड का। अब मैं इसे ये जो मैंने निकाल के रखा था इसमें डिप करूँगी। ये देखिए और जितना एक्स्ट्रा है इसको निकल जाने देंगे। फिर इसको हमें 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है इसमें सेट होने के लिए। मैंने बटर पेपर लगा करके एक प्लेट तैयार किया हुआ है, उसके ऊपर मैं इसको रखूँगी 20 मिनट के लिए फ्रिज में। इसी तरीके से जो मैंने ई वाला जमा के रखा है इसको भी मैं निकालती हूँ। अगर इस तरह से निकालने से परेशानी हो तो एक पानी में इसको ऐसे डिप करेंगे तो ये बहुत आसानी से निकल जाता है बाहर। ये देखिए कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है। अब इसे भी ऐसे डिप कर लेते हैं। आप चाहे तो बिना डिप किए भी इसको खा सकते हैं, इसका एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से करने से बढ़िया डबल लेयर चोकोबार आइसक्रीम तैयार हो जाती है। अब इसके ऊपर जो मैंने नट रखा था इसको भी डाल देती हूँ इसमें, इसके ऊपर नटी फ्लेवर के लिए। अब मैं इसे रख देती हूँ फ्रिज में गलने के लिए। 20 मिनट बाद फिर से मैं बाहर निकालती हूँ। तो ये हमारा तैयार हो गया डबल चॉकलेट चोकोबार आइसक्रीम। आपको इसको चाहे प्लेन रखना हो चाहे नटी बार बनाना हो आप किसी भी तरीके से इसे बना सकते हैं। और फटाफट इसको फ्रिज में से निकाल करके इसको इन्जॉय करिए, सर्व करिए। तो देखा आपने बिना मोल्ड के भी कितना आसानी से बन करके तैयार हो गया है। आप भी इस संबंध में जरूर बनाइए तो बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे और सभी को बहुत पसंद आएगा। बच्चे हों या बड़े हों सभी बहुत इंजॉय करेंगे। तो आप भी इसे घर में जरूर बनाइए और अपने प्यार प्यार कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी।